तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। तो वेलकम यू एवरीबडी एंड वेलकम मी बडी एक बार फिर से हमारे पुराने वाले स्टूडियो के अंदर। तो जैसे तुम लोगों को पता है कि हम बहुत सारी शॉपिंग करके लाए थे, सभी के लिए गिफ्ट खरीद कर लाए थे, तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों को वही अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ सभी गिफ्ट की, कि हमारी मेहनत की कमाई की हम क्या क्या सामान लेके आए, सबके लिए हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो अब धीरे धीरे कर तुम्हें एक ही चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये बहुत मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हमारी खुद की कमाई से लाई हुई चीज़ें हैं सारी की सारी। इतने सारे प्रेजेंट सरप्राइजेज लेकर आए अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो तुम्हें एक ही चीज़ करके दिखाने वाला हूँ कि आगे चीज़ मैं लेकर आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये जितनी सारी चीज़ों की मैं तुम्हें खोल के दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट सरप्राइजेज लेकर आऊँ, ये सारे है ना ऊपर वाले स्टूडियो में जाके बना देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टार्टअप है ना उसी ऊपर वाले स्टूडियो से हुआ था, तो वहीं जाके अनबॉक्स करते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाने भी हो जाएगा, उसकी भी याद आ रही है मुझे, स्टूडियो बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, एक तो साथ बनेगी भी नहीं, तो अभी अनबॉक्सिंग वहीं पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा मजा भी आएगा ना, और थोड़ी क्वालिटी वहाँ पे इतना मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं आने का, बट ठीक है थोड़ा सा सामान जाके ऊपर अनबॉक्स कर लेता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर नीचे आके अनबॉक्स कर लेंगे। तो गाइस तुम लोगों में जो नए जुड़े हैं, जो मेरी नए लोग वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें बता दूं कि ये जो है मेरा इनिशियल स्टूडियो था, मतलब मैं इनिशियल में ही वीडियोस बैठ के बनाया करता था, तो थोड़ी सी मेमोरीज भी क्रिएट हो जाएंगी थोड़े दिन में, मुझे एक दो दिन में निकलना है वापसी और यहाँ पे वीडियोस बनाना मुझे तो लगता नहीं पॉसिबल हो पाया, तो मैं सोचा यहीं बैठ के अनबॉक्सिंग करता हूं, थोड़ी सी मेमोरीज रिक्रिएट हो जाएंगी। ओके तो चलो अब यहाँ पे बैठ के अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आया, घर वालों के लिए क्या लेकर आया, अपने लिए क्या लेकर आया, इस घर के लिए क्या लेकर आया, यू नो। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये क्या चीज़ है। तो गाइस ये है हमारी कैंडल, ये मैं लाया कैंडल खरीद के घर वालों के लिए, क्योंकि अब मैं दिवाली पे चला जाऊँ, पटाखे पटाखे तो हम फोड़ते नहीं, अब तो फोड़ने बंद ही कर रखे हैं खैर, और ये घर पे रख के चला जाऊँगा, कैंडल है तो ये अपना घर वाले अपने मेरी बहन बहन राजा वाजा जला लेगा, राजा के लिए छोटे से बम बम देके चला जाऊँगा और ये कैंडल जला लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा दिवाली पे काम। एक तो लेके आया मैं सामान एंड अब सेकंड चीज पे आते हैं, तो और हम लाए हैं ये सामान राजा के लिए, मैं लेकर आया हूँ ये वाला हेलीकॉप्टर, बहुत दिन से मांग रहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर ड्रोन चाहिए, तो उसके लिए ये वाला हेलीकॉप्टर खरीदा है मैंने, और एंड हमारा एक छोटा हमारे भैया का लड़का है उसके लिए ये वाली कार लेकर आया हूँ मैं, और उसके बाद आते हैं और चीज पर, और लाया हूँ मैं ये चीज एंड लाया हूँ एक ये चीज, तो ये दो चीज लेकर आया हूँ। तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है गाइस घड़ियां। अब घड़ियां किस किस के लिए लेकर आया हूँ, एक मैं लाया हूँ अपने फादर के लिए, एक मैं लाया हूँ अपने ब्रदर के लिए, तो ये देखिए ये जो घड़ी है ये लेकर आया हूँ मैं अपने ब्रदर के लिए, पास से दिखाता हूँ तुम्हें कैसी है, और एक घड़ी लाया हूँ मैं अपने फादर के लिए, तो ये वाली घड़ी लाया हूँ मैं अपने फादर के लिए, हमारे मम्मी के लिए और बहन के लिए सामान हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, क्योंकि बाहर से तो मैं खरीद के ला नहीं सकता था, मुझे ही नहीं पता कि क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, तो अपने आप देख के ऑर्डर करेंगे, तो वो प्रेजेंट उनके लिए, ये तो मैं खरीद के लिया, क्योंकि लड़कों का तो आसान होता है, आदमियों का तो आराम से जाओ नॉर्मल घड़ी ले लो, जूते ले लो, फिर कपड़े ले लो, हर जगह मिल जाते हैं, पर लेकिन लड़कियों का नहीं समझ में आता क्या लेना है। और गाइस और लेकर आए हैं हम जाकर शॉपिंग, और क्या करी हम लेकर आए हैं बहुत सारी लड़ियां भर भर के, ये हम अपने घर के लिए लाए हैं क्योंकि अब दिवाली पर आया हूँ मैं, तो लड़ी लगाकर चला जाऊंगा, फिर कौन लगाएगा लड़ी, मैं ही लड़ी लगाता हूँ अपने घर पे, तो बहुत सारी ये लेकर आया हूँ, और साथ ही साथ और भी लेकर आया हूँ मैं, ये लाया हूँ अपने मंदिर के लिए, अपने घर में मंदिर पर ये लगाऊंगा, ये लाइट वाली लड़ी, और तो ये सारी चीज लेकर आया, मुझे लाइट का ना बहुत ज्यादा शौक है, मतलब मेरा मन करता है कि हर जगह जैसे मॉलों में लाइट जली रहती है वैसे घर में लाइट हो, तो मतलब बहुत ज्यादा शौक है। और ये हम लाए हैं और चीज ये लाया हूँ मैं स्ट्रिप लाइट, ये मैंने बहुत पहले सोच रखी थी, नौकरी से पहले है ना मेरे पास पैसे नहीं जुड़ रहे थे, और घर वाले दिलाते भी थे कि फालतू चीजें पैसे क्यों भोग रहा है, तो मैं अपने पैसे से लेकर आऊंगी एलईडी स्ट्रिप लाइट, इसे जलाकर भी दिखाऊं गाइस, टोटली इतनी ज्यादा मस्त लगती है, वही लाइट है जो बड़े बड़े घरों में लग जाती है साइडों में, जिससे अलग ही चमक मारती है, तो ये लेकर आऊँ मैं एलईडी स्ट्रिप लाइट ये खरीद के, तो इसे फिट करेंगे और देखता हूँ अपने अगर बच गई तो वहाँ लेके जाऊंगा अपने रूम पर, वहाँ पर ही फिट करूंगा, तो ये माल लेकर आया हूँ मैं, और तो बस खत्म, सबके लिए हो गया, भैया के लिए हो गया, पापा के लिए हो गया, राजा के लिए हो गया, अपने लिए हो गया, घर के लिए हो गया, मम्मी के लिए हो गया, बहन के लिए हो गया, सबके लिए गिफ्ट हो गए, तो ये सब सामान लेकर आया था मैं बस, और क्या यही तुम्हें अनबॉक्स करके दिखाना, तो आज अपनी इनकम से लाई हुई चीजों का भी ना अलग ही मजा आया, मतलब टोटली यार अब मैं भी सलाह हो गया कि मैं अपने पैसे कुछ ना कुछ खरीद सकता हूँ, अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पार्टी शुरू है बेटे, अभी तो आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या करना बाकी है, तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्राउड फील हो रहा है, तो
बस भगवान जी अपना यूं ही रहम रखें और बस YouTube चैनल एक बार ग्रो करें अच्छे से, तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी अच्छे से तुम्हें कर करके दिखाएं चीज़ें, तो फिंगर क्रॉस्ड है। चलो डेट इज फ्रूड, अगर आप लोग आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना है, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एज ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डू द गुड थिंग्स ओनली, सो बाय गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो। Keep it together.